नमाज का मामला इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, ये तो सबने बताया होगा माफ़ नहीं है। इस हाल में भी माफ़ नहीं है कि अगर आपको लिंचिंग करने वाले जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको भरोसा अपने आका पर है, जब तक आका है तब तक मारो, क्योंकि आका की खामोशी इजाजत है, वो खामोश है, मारो जितना मारना हो। तो अगर लिंचिंग करते वक्त लोग हाथ पैर बांध दें, ये कुर्सी से ऐसे ये बांध दिया और डंडे मार रहे हो, लाठी मार रहे हो और आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी पोजीशन में आजान की आवाज आने लगे या नमाज का वक्त हो जाए, आप कहोगे मौलाना ऐसी पोजीशन में कौन नमाज पढ़ लेगा, लेकिन नमाज इस पोजीशन में भी माफ नहीं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस पोजीशन में भी नमाज माफ नहीं है। अब आप उनसे एक बार कहिए साहब अजान हो रही है या नमाज का वक्त हो गया है, हमें दो रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, वो आपको नहीं देंगे। अरे जो नमाज मुसलमान होने की वजह से तो बारी रहे, तो नमाज का मौका कहां से दे देंगे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से आगा हो जाइए, साहब हमें दो रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो, उसके बाद में जो करना हो कर लेना, अजान हो रही है वो आपको इजाजत नहीं देंगे। अब आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप वुजू नहीं बना सकते क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब आप नियत से वुजू कीजिए, नियत से वुजू, अगर मेरे हाथ खुले होते तो मैं वुजू करता, ये लोग मुझे मार रहे हैं, वुजू की ताकत नहीं है मेरे अंदर, लिहाजा मैंने वुजू की नियत कर ली है। नियत से वुजू हो गया, दिल में नियत कर लीजिए मैंने वुजू कर लिया। अब आप अल्लाहु अकबर नहीं कह पाएंगे, किबले की तरफ चेहरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उन्होंने कुर्सी से आपको बांध रखा है या पेड़ से बांध रखा है, दरख्त से किसी ट्री से आपको बांध दिया है। तो जिस तरफ आपका चेहरा है उसी तरफ नियत किबले की कर लीजिए, अगर मैं खुला हुआ होता तो मैं किबले की तरफ चेहरा करता, अरे अल्लाह मैं किबले की तरफ चेहरा करने की पोजिशन में नहीं हूं, मैंने दिल में ही किबले की नियत कर ली है। अब आप अल्लाहु अकबर नहीं कह पाएंगे, दिल से नियत वुजू की, दिल से किबले की तरफ चेहरा, और दिल से अब आप ऐसे ही जबान से कहिए अल्लाहु अकबर, हाथ नहीं बांध पा रहे कोई बात नहीं, अल्लाहु अकबर। अब आप पढ़िए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुक या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया या कमा बअता बैनल मशरिक, आप पूरी दुआ पढ़ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आहिस्ता पढ़ सकते हैं आहिस्ता पढ़िए, जोर से पढ़ने की ताकत तो है नहीं वहां पर, इसलिए आप अपने होंठ हिलाते रहिए और पढ़ते रहिए, और इशारे से कहिए अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम। याद रखिए आपको आपके शहर में ही क्यों ना मारा जा रहा हो, क्यों ना पीटा जा रहा हो, ऐसी पोजीशन में आपके ऊपर अब चार रकात नहीं है जुहर, चार रकात नहीं है असर, अब आपकी उम्र सिर्फ दो रकात है, जुहर की दो पढ़ लीजिए, असर की दो पढ़ लीजिए, मगरिब की तीनों पढ़ना पड़ेंगी, इशा की दो पढ़ लीजिए या फजर में है तो दो फर्ज पढ़ लीजिए। मेरे भाइयों अब आपको सिर्फ दो रकात पढ़ना है, मगरिब की तीन पढ़ना है, और आप पढ़ के आप ऐसे ही कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज के मामले में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है, नमाज इस सूरत में भी माफ नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा मुआशरा, हमारा समाज नमाज से कितना दूर हो रहा है। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात, महज हजरत महाज इब्ने जबल कहते हैं कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत की, 10 बातों की नसीहत की, उन 10 बातों में से पहली बात यह थी ऐ महाज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रता, ऐ महाज अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, अल्लाह के साथ किसी को साजी मत ठहराना, अगर चित तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए, इन कुतिलता भी पढ़ा बहुत से लोगों ने, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए,
या जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। गैबी मदद करने वाला अल्लाह है, किसी बंदे को मत मानना। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, किसी बंदे में तसव्वुर मत करना। दुआओं का सुनने वाला अल्लाह है, किसी मखलूक में ये तसव्वुर मत करना। सारी कायनात को सुनने वाला अल्लाह है, ये किसी मखलूक में मत मानना। हर चीज का इल्म अल्लाह को है, ये किसी मखलूक के अंदर मत मानना। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क, शिर्क कहते हैं अल्लाह की सिफात को किसी बंदे के अंदर तस्लीम करना। जैसे अल्लाह सुनने वाला है, अब आप कहोगे हम भी तो सुनने वाले हैं। हाँ ठीक है, आप सुनने वाले हैं, लेकिन हम में और अल्लाह में क्या फर्क है? अल्लाह बैक वक्त पूरी कायनात, पूरी दुनिया में जो जो बोल रहा है सबको सुन रहा है। यहां तक कि इस जमीन के नीचे भी अगर कोई मखलूक जिंदा है, समंदर की तारीकियों में मछली, मगरमच्छ और कछुए वो जिंदा और चीख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अल्लाह उनको भी सुन रहा है। ये सिफत किसी बंदे के अंदर, किसी पीर के अंदर, किसी वली के अंदर, किसी बुजुर्ग के अंदर नहीं मानी जा सकती है। अगर हमने ऐसा ही किसी बंदे को मान लिया तो यह हुआ अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और अल्लाह को यह चीज बर्दाश्त नहीं है। अरे आप अपनी बीवी की थोड़ी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक बात बताइए, बस्टम नगर का अगर कोई आदमी दिल्ली में रहता हो, काम करता हो, और एक आध साल के बाद बस्टम नगर आता हो, और दूसरा आदमी यहां से दिल्ली घूमने गया और आपसे मिला, और जब वो बस्टम नगर आने लगा तो आपने कहा लो यार घर जा रहे हो ना गांव के, हाँ लो एक साड़ी ले जाओ मेरी बीवी को दे देना। आपने 3,000 की, 4,000 की, 5,000 की खूबसूरत साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी कि तुम गांव जा रहे हो बस्टम नगर, जाके मेरी बीवी को दे देना ये। अब आपका दोस्त साड़ी लेकर जब बीवी के पास आया आपकी, आपकी बीवी को साड़ी देता है कि लीजिए आपके हस्बैंड ने साड़ी दिल्ली से भेजी है, तो बीवी का क्या फर्ज बनता है? किसकी तारीफ करे, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की तारीफ करेगी क्योंकि उसने भेजी है। लेकिन अब वो शौहर की तारीफ ना करके साड़ी देने वाले की तारीफ करे, माशाल्लाह कितने अच्छे हैं आप, इतनी दूर से मेरे लिए साड़ी ले आए। अरे उसने तो भेजा, लेके तो आप आए हैं ना, आइए चाय पीजिए, और घर के दरवाजे के साथ साथ दिल के दरवाजे भी उसके साथ खोल दे। और आपको अगर पता चल गया दिल्ली में बैठे बैठे कि कमबख्त साड़ी तो मैंने दी और तारीफ उसकी कर रही है, हाँ? उसके उस चाय पिला रही है, घर में घुसेड़ रही है, दाखिल कर रही है, उसको जरूरत से ज्यादा लिफ्ट दे रही है, फोन करके उसको शुक्रिया मेरा अदा करना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, इतनी दूर से भी आप इतना मेरा ख्याल रखते हैं, और बजाय इसके कि वो मेरी तारीफ करे, मैं जो साड़ी दे रहा उसकी तारीफ कर रहे। आप दिल्ली में सुन लेंगे अगर ये खबर, तो आप तहकीक भी नहीं करेंगे कि यहां तक सही है, वहीं से बैठ के फोन करेंगे, कौन बोले चुड़े डाइन, साड़ी मैंने भेजी तारीफ उसकी कर रही है, दी गोली तीनों धाए से तलाक तलाक तलाक। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते कि साड़ी आप दे रहे हैं, दोस्त लाकर दे रहा है, आपको छोड़कर बीवी आपके दोस्त की तारीफ कर रही है, तो सोचो और तसव्वुर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि मियां और बीवी मिलते हैं, उस कतरे के अंदर उसको नुतफा हम बनाते हैं, मुजगा हम बनाते हैं, जमा हुआ खून हम बनाते हैं, गोश्त का लोथड़ा हम बनाते हैं, हड्डी हम बनाते हैं, हड्डी में गोश्त हम पहनाते हैं, आंखें हम बनाते हैं, दिमाग हम बनाते हैं, खोपड़ी हम बनाते हैं, हड्डी हम बनाते हैं, उंगली के पोर हम बनाते हैं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर आंखों में रोशनी हम देते हैं, इनको ट्यूबलाइट हम बनाते हैं, सोचने समझने की सलाहियत हम देते हैं, उस अंधेरी कोठरी के अंदर उस बच्चे को ऑक्सीजन मैं पहुंचाता हूं, सारे काम हमारी कुदरत करती है, हमारी कारीगरी करती है, और 9 महीने
जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाए तो कह दो कि बरेली वाले ने दिया, कछवाछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फलाने दिया, फलाने दिया, फलाने दिया। सोचो सब हम करें, सब हम करें और नाम हमारी किसी बंदे का लिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरमाया ला तुशरिक बिल्लाही शैयन इन कुतिलता हुर्रता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे जला दिया जाए चाहे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। वला तुकन्न वालिदैक वइन मराका तखरुज मिन अहलिक व मालिक, दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि तुम अपने माँ बाप का कभी दिल न दुखाना, उनकी नाफरमानी मत करना। वला तुकन्न वालिदैक वइन मराका तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहल व आयाल को छोड़ दो, अपना माल और दौलत यही छोड़ के निकल जाओ। हमने जो कमाया, जर्जी साहब ने जो भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया, और मेरे बाप ये कहे अपनी कमाई यहीं रख और चल निकल हमारे घर से मत, इसके बावजूद हमें अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। जिंदगी भर का कमाया हुआ माल अपने बाप के कदमों पर डालकर और वो कहे निकल हमारे घर से, तो हमें निकलना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे वो तुम दोनों को हुक्म, वो दोनों तुम्हें हुक्म दें, वइन अमराका अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम निकलो, अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी को तलाक दो या और अपने माल और दौलत को छोड़ दो और जाओ यहां से, तो तुम्हें इस कंडीशन में भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए तो क्या कहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे जंगल में, बीवी निकल के आई, देखा एक बुड्ढा खड़ा है, कहा सलाम अलैकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा इस्माइल कहाँ है, कहा वो तो जंगल में गए शिकार करने, कहा अच्छा अच्छा बेटा ये बताओ कि घर में गुजर बसर कैसी चल रही है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा बहुत बुरी कंडीशन है, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वो आ जाए जब तुम्हारे पति घर में तो उनसे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुमको सलाम कहा है, और दूसरी बात उसने ये कही है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, घर की चौखट बदल दो। चौखट समझते हैं ना, दरवाजे पे जो सामने लगी होती है चौखट, का घर की चौखट बदल दो। इस्माइल की बीवी कहती बुढ़ा सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, वो कह रहा है कि ठीक नहीं है, अरे हवा भी आती है गर्मी में, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, और बुढ़ा कह रहा है घर की चौखट ठीक नहीं है। शाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर पे आए तो पूछा, बीवी ने कहा अरे कोई बुढ़ा आया था, कहा अच्छा, उन्होंने सलाम कहा, इस्माइल समझ गए कि हाँ ये मेरे बाप, अच्छा 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 सलाम कहा, कहाँ अच्छा और क्या कहा, और क्या वो बुढ़ा था सटिया गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया था, नहीं 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 बताओ तो क्या कहा उसने, कहा उसने कहा घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने पति से कहना, शौहर से कहना घर की चौखट बदल दो। कहा मेरी बीवी घर की चौखट बदलने को कहा, कहा क्यों क्या कुछ पूछा था उसने, कहा पूछा था घर में गुजर बसर कैसा चल रहा तो मैंने बता दिया, बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को भूखी सोती हूँ, शाम को खा लो तो सुबह भूखी उठती हूँ, एक टाइम खा लो एक टाइम मिलता ही नहीं है, तो जो था घर का हाल वो बता दिया। कहा मेरी बीवी वो बुढ़ा मेरा बाप था, और तुमने ये कहकर नाशुक्री कर दी, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जिस हाल में हूं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी उसने रखा है हर हाल में मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूं, ये कहना चाहिए था, लेकिन तुमने ये जुमला कहकर मेरे बाप को बहका दिया, वो समझ गए कि तुम नाशुक्री हो, जो अपने रब की शुक्रगुजार ना हो वो अपने पति की शुक्रगुजार कैसे हो सकती है, या जो अपने पति की शुक्रगुजार ना हो वो अपने रब की शुक्रगुजार कैसे बन सकती है। आए मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उन्होंने जो कहा कि उनसे कह देना कि अपने घर की चौखट बदल दो, इसका मतलब ये कि उन्होंने बीवी बदल देने की बात की है, यानी तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है, लिहाजा अपने बाप का हुक्म मानते हुए मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर तलाक की घर का हाल चाल ठीक नहीं है,
हमारी माँ बहनें सोचें कि आज वो अपने शौहरों की कितनी नाफरमानी करती हैं। एक महीने की तनख्वाह लेके शौहर घर पे आया कि हाँ खा लिया चले आए, तो फेयर एंड लवली नहीं लाए, पाउंड्स लाना चाहिए था, चले आए ऐसे ही खा लिया। और शौहर पूरी जिंदगी बेचारा कमा कमा कर खिलाता रहे, एक दिन बिचारी को टाइम से खाना ना मिले या एक दिन टाइम से उसका मेकअप का सामान ना आए। अच्छा पड़ोसी की शादी में ऐसे जाओगे, हम ही चुड़ैल लगेंगे, तुमने क्या किया बताइए, हमारी सहेली की शादी है और हम ऐसे जाएंगे, जब से आई हूं तुम्हारे घर में परेशान हूं। और शौहर के दिल पे क्या बीतती है, जबकि शादी में तुम्हें नए कपड़े पहनकर जाने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि नए कपड़े पहनने का हक शौहर के सामने है। ये औरतों की पता नहीं कौन सी आदत है, नए कपड़े और अच्छे कपड़े घर में रखे रहेंगे, घर में वो भंगन मन कर रहेंगी। कभी जाओ घर में सुबह से शाम तक नौकरी करो और ऑफिस से घर वापस जाओ तो देखो किचन में घुसी हुई है, सलवार घुसी हुई है, बर्तन मांज रही है, करीब जाओ तो पसीने की बदबू आ रही है। जबकि उस औरत को मालूम है कि मेरा शौहर ऑफिस से आने वाला है, उसको पहले से बंद सवर कर तैयार रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना चाहिए, घर में रहेगी भंगन बनकर और शादी में जाएगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। अजीब दस्तूर है, शौहर ला रहा है कमाला शौहर और देख रहे पड़ोसी, देख रहे गांव वाले, देख रहे मोहल्ले वाले। अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। हमारी मां बहनों को इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हजरत उम्मे सुलेम से। हजरत अबू तलहा का बेटा, ए बेटा क्या हो गया, अरे क्या हुआ, पेशाब लग रहा, तो जाओ ना कि यही करोगे, जाओ जाओ, शादी हो गई तुम्हारी तब किस लिए जा रहे हो यार, कोई बड़ा आदमी जाए तो चलो उसे शादीशुदा है जा रहा है घर, ऑर्डर नहीं होगा बीवी का, ये बेचारा बच्चा जाके क्या करेगा, और जा रहा तो आया क्यों, एक जलसा में तो 80 साल का बुढ़ा उठ के जाने लगा, हमने कहा आप क्या करोगे चाचा घर में जाकर, अब तो चाची भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती बेचारी। बीच में मत उठा करो भाई, पीछे से उठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सामने से उठते हैं तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये उम्मे सुलेम को देखिए आप, अबू तलहा का बेटा उम्मे सुलेम का बीमार रहता था, रोज़ाना खैर खैरियत पूछते थे, एक दिन देर से आए और बच्चे का इंतकाल हो गया। सोचिए बच्चे का इंतकाल, मेरी माँ बहनों तुम इस वाक़े को सुनो, ये तुम्हारे मतलब का वाक़या है। शौहर जरा देर से घर से काम से आए, थके हुए थे, सीधे रूम में चले गए। उम्मे सुलेम ने मोहल्ले की औरतों से कह दिया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, लेकिन इसकी खबर मेरे पति को, मेरे शौहर को, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं देगा, तुम जाओ मेरे घर में भीड़ मत लगाओ। शौहर को अभी पता नहीं कि घर में मेरा बेटा इंतकाल कर गया। शौहर ईशा के बाद घर में आए, घर में आते ही पूछा बीवी से उम्मे सुलेम, कहा जी क्या हुआ, बेटा कैसा है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह और दिनों की बनिस्बत आज बच्चे को बहुत आराम है, आज तो इतना आराम है कि आज जितना आराम तो बच्चे को कभी मिला ही नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरती के साथ अपने शौहर को ये पैगाम दे दिया, अच्छा अच्छा ठीक है सोने दो, सो रहा है सोने दो, ठीक है तब उसको जगाना ठीक नहीं है, सो रहा है। कहा ठीक है आप नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मोहल्ले की किसी भी औरत को आने नहीं दे रही हैं और शौहर की सेवा देखो इस हाल में कि बगल के रूम में बेटे की लाश है, बगल के रूम में बेटे का जनाजा रखा हुआ है, बगल के कमरे में बेटे की रूह, बेटे की रूह का जिस्म पड़ा हुआ है। तसव्वुर करो मेरी बहनों, मेरी माओ, खाना खिलाया,
अच्छी तरीके से शौहर ने खाना खाया, उम्मे सुलेम भी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है। और खाना खाने के बाद उम्मे सुलेम ने मेकअप किया, खुशबू लगाई। औरत खुशबू लगा सकती है लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर तो वो डाबर आंवला का तेल भी लगाकर नहीं निकल सकती है। घर के बाहर अगर जाती है तो मेकअप तो बहुत दूर की बात, खुशबू और परफ्यूम तो बहुत दूर की बात, खुशबूदार कोई चीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर किसी तेल में सेंट आता है, खुशबू आती है, तो वो तेल भी लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। कोई बजने वाली चीज भी पहनकर घर से बाहर नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती हैं और चले तो आवाज करें, वो घर से बाहर निकलते वक्त तो चूड़ियां भी नहीं पहन सकती है। पायल जो चलते वक्त जो पायलों की झनकार और उसकी आवाज और उसमें लगे हुए घुंघरुओं की आवाज अगर आती है तो वो ऐसी पाजेब और ऐसी पायल और ऐसे घुंघरू भी नहीं पहन सकती है। याद रखिए मेरी बहनों, मेरी माओं, मेरी बेटियों, सोचिएगा जरूर और गौर कीजिएगा कि लिपस्टिक क्रीम पाउडर तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलना है तो खुशबूदार तेल लगाकर भी नहीं निकल सकती है। चूड़ियां जो खनखनाती है, खनखन की आवाज या चलते वक्त जो चूड़ियों की आवाज आए, चलते वक्त हाथ हिले और चूड़ियां बोले, तू चूड़ियों को पहनकर भी नहीं जाना है। पायल अगर उसमें आवाज है तो वो भी पहन कर नहीं जा सकती है। यहां तक कि अगर ऊंची हिल की चप्पल, ऊंची हिल की सैंडल पहनकर वो चलती है और सड़क पर या पक्की जमीन पर चलते वक्त तो सैंडल की खटखट की आवाज आती है, तो ऐसी सैंडल और ऐसी चप्पल पहनकर भी औरत नहीं जा सकती है कि जिससे उसके पैरों की खटखट की आवाज से मर्दों के चेहरे मुतवज्जो हो, मर्द उसकी तरफ मायल हो और उसकी तरफ देखना शुरू कर दे, ऐसी चप्पल भी नहीं पहनना है। पहनिए, ममता दीदी की तरह पहन लीजिए, हवाई चप्पल पहन के जाइए, कौन मना कर रहा आपको। शान में गुस्ताखी हो गई मौलाना साहब, अब हमारे बुतिन आ गए 150 रुपए की चप्पल पहनेंगे, अब तुम 300 की 500 की हिल वाली चप्पल पहनोगी, हिल वाली चप्पल पहन के जाओगी तो बोलेगी खट खट, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक धक। ये सूरत हाल हो रही है आजकल, तुम्हारी चप्पलों की तरफ से आवाज, उधर लड़कों के दिल। इस इस्लाम ने उसी से तो रोका है, जड़ को ही खत्म कर दिया है। ऊंची एड़ी की, ऊंची हिल की चप्पल भी औरत अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है। चूड़ी अगर आवाज करती है तो नहीं पहन सकती है। एक आध कड़ा पहन लिया कोई बात नहीं, एक कड़ा पहन लिया इसमें, एक कड़ा पहन लिया इसमें, आवाज तो नहीं कर रहा, जाइए। लेकिन हाथों में सॉक्स होना, ग्लव्स होना चाहिए, पैरों में सॉक्स होना चाहिए, जाइए। टखने से नीचा नकाब ओढ़नी या चादर टखने से नीचा होना चाहिए, इतनी नीची होनी चाहिए कि आपकी चप्पल भी नजर ना आए, चप्पल सी छिपी हुई हो और आपका नकाब, आपका हिजाब, आपकी चादर जमीन की मिट्टी से छुटी हुई, रोड से छुटी हुई जानी चाहिए। यह है इस्लामी पर्दा। मौलाना साहब क्यों बता रहे हो, हमें करना ही नहीं है। अरे तुम्हें करना नहीं, हमें तो बताना है। एक साल के बाद जलसा लोग कराते हैं, बेचारे इसी मकसद से तो कराते हैं, तो ये होना चाहिए। ये तो औरत ये सब चीजें पहनकर नहीं निकल सकती है। इस इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा, बीवी को तलाक दे दिया, काम में नहीं रख सकता। हमारी माँ बहनों उम्मे सुलेम के इस वाक्य से इबरत हासिल करो। मेकअप करती हैं, खुशबू लगाती हैं, खुशबू लगाने के बाद वो अपने शौहर के पास भी जाती हैं और वो अपने शौहर से मुजामियात भी करती हैं, हम बिस्तर भी होती हैं। सोचिए बगल में बेटे की लाश है, बेटे का जनाजा है और वो रात में मेकअप, तसव्वुर करें हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां, क्या घर में आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ऐसी सूरत में अपने शौहर को इतना खुश रख सकती हैं।
हम बिस्तरी के बाद जब दोनों फारिग हुए, शौहर ने जल्दी से गुसल कर लिया। रात में प्यार भरी बातें होती रही, बात बच्चे की निकल आई। बीवी ने बड़े प्यार से कहा उम्मे सुलेम ने, आज मुझे सवाल मेरे जहन में खटक रहा है जो दूर नहीं हो रहा है। बड़े मैं पसोपेश में शचुपंज में फंसी हुई हूं कि क्या होना चाहिए। अबू तलहा ने कहा क्या बात है बताओ। कहा कि मेरी एक सहेली ने कुछ महीने पहले एक अमानत मेरे पास रखी थी जो बहुत कीमती अमानत थी, और ये कहा था कि मैं कहीं दूर जा रही हूं, दो चार छह महीने के बाद जब मैं वापस आ जाऊं तो मेरी अमानत वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पति जी, मेरे हस्बैंड, उसने जो अमानत दी थी वो मुझे बहुत पसंद आ गई, मेरा दिल उस पर आ गया। मैं चाहती हूं कि उसको रख लूं और उस जिसकी अमानत थी उसको मैं वापस ना करूं। अबू तला ने कहा नहीं, ये तो गलत बात है, ये अमानत में खयानत है, ये गुनाह होगा। अगर वो अपनी अमानत मांग रही है तुम्हारी सहेली तो उसकी अमानत तुम्हें वापस करना पड़ेगी। कहा लेकिन वो अमानत मुझे बहुत पसंद है, उस चीज पर मेरा दिल आ गया है, मैं नहीं चाहती हूं कि उसको वो दूं। अबू तला ने कहा तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें उसकी अमानत देना पड़ेगी वरना जहन्नम में जाओगी, बेईमानी मत करो, जिसकी अमानत थी उसकी अमानत वापस कर दो। कहा मेरे प्यारे शौहर, तो फिर एक अमानत अल्लाह ने मुझे दी थी, दो तीन साल पहले अल्लाह ने मुझे भी एक अमानत दी थी और वो अमानत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उस अमानत पर मेरा दिल आ गया है, वो अमानत मेरा बेटा है। लेकिन आज अल्लाह ने अपनी अमानत मुझसे मांगी तो मैंने उसकी अमानत उसको वापस कर दी, उसकी अमानत मैंने उसको वापस कर दी। अगर मैं अपने पास रखती और उस पर बेईमानी करती तो अमानत में खयानत होती। मेरे प्यारे शौहर, बच्चा आराम से सो रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा मेरा इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह की अमानत दी अल्लाह ने उस बच्चे को ले लिया है। अबू तलहा के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, बोले तो कुछ नहीं लेकिन कहा कि इस हाल में भी तुम मुझे खाना खिला रही हो, तुम मुझसे हम बिस्तरी कर रही हो, प्यार और मोहब्बत तुमने मुझसे किया है, तुमने बच्चे के बारे में मुझे बताया नहीं। वो तो ठीक है, अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि तुम मोहल्ले की औरतों को भी रोके रखो। कोई बात नहीं है, सुबह सूरज निकलने के बाद उस बच्चे को दफन कर दिया जाएगा। हजरत अबू तलहा जैसी आजान की आवाज होती है मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद जब अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास बैठते हैं और पूरी की पूरी रात की दास्तान सुना देते हैं, अल्लाह के नबी ऐसा हुआ, मेरी बीवी ने रात में भी नहीं बताया है, मेरी बीवी ने मुझे खाना भी खिलाया है, उसके बाद हमसे हम बिस्तरी भी किए, शारीरिक संबंध भी बनाया है, आए अल्लाह के नबी, उसके बाद का अल्लाह की अमानत भी अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह के नबी फरमाते अबू तला बस बस है अबू तला, अल्लाह तुम्हारी बीवी को जजाए खैर दे, अल्लाह उसको अच्छा बदला दे, और तुम दोनों ने आज रात में जो मुजामियत की, जो हम बिस्तरी की है, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह उसमें बरकत दे। उसी दिन की मुजामियत और हम बिस्तरी से हजरत उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, उसी उम्मे सुलेम को हमल ठहरा है, और उसी अबू तलहा को उम्मे सुलेम से उसी दिन हमल ठहरा है, और फिर 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है, इस बच्चे का नाम अनस रखा जाता है। अल्लाह के नबी जब इस बच्चे को, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले अल्लाह के नबी ने खजूर अपने मुंह में चबाया, और चबाया हुआ खजूर निकाला और अपनी उंगली से निकाल कर हजरत अनस के मुंह में डाला और दुआ की, अल्लाह औलाद में बरकत अता फरमा, उसकी
उनकी औलाद में बरकत अता फरमा, उनके माल में और उनकी औलाद में बरकत अता फरमा। ये अनस ही थे जिन्होंने 10 साल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत की है। ये अनस ही थे, आगे चलकर ये बड़े अमीर बने, अल्लाह ने इनकी दौलत में भी इजाफा किया और इनके बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। मदीने में अक्सर बच्चों की तादाद इन्हीं की नजर आती थी, सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं के नजर आते थे। ये दुआ का असर था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का। कहना ये चाहता हूं कि इस वाक़े को देखिए कि पहले जमाने की औरतें बच्चे के इंतकाल के बाद भी मेकअप अपने शौहर के लिए कर रही है, बनठन कर अपने शौहर के लिए रह रही है, अपने शौहर को सुकून पहुंचा रही है। यहां तक कि रात में शौहर ने जब मेकअप में और खुशबू में अपनी बीवी को देखा तो वो भी अपने आप को रोक न सके और उन्होंने उनसे हम बिस्तरी भी की और इस हम बिस्तरी पर बरकत की दुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि अल्लाह इस रात में तुम्हें कोई बरकत अता फरमाए। फिर हजरत अनस पैदा होते हैं, फिर अनस के मुंह में भी सबसे पहले लुकमा लुआबे दहन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जाता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अनस के मालो दौलत मालो औलाद में बरकत की दुआ भी अल्लाह के नबी करते हैं। तो ये उस जमाने में यह हाल था। वला तौकन वालिदैक वइना मराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना अगरचे वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि उनके घर से निकल जाओ, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, मालो दौलत को छोड़ दो, तब भी उनकी नाफरमानी मत करना। वला ततुकन सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरियत मिन हुज़िमतुल्लाह, जो फर्ज नमाज कसदन जानबूझकर छोड़ देता है अल्लाह की जिम्मेदारी उसके ऊपर से हट जाती है। जब नमाजी नमाज न पढ़े और फर्ज नमाजों का जनाजा निकलता रहे तो अल्लाह की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मरे कटे कुछ भी हो फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रही है। फकत बरियत मिन ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह के जिम्मे से वो आदमी निकल गया है जो फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं करता है। और चौथी चीज बताई, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि ज़म्बिन, और सुनो कभी शराब मत पीना, किसी भी कंडीशन में शराब को हाथ मत लगाना। फइन्नहु रअसु कुल्लि ज़म्बिन, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ शराब है। शराब पीने के बाद जिना करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद चोरी करने का दिल करता है, शराब पीने के बाद माँ बाप के सामने माँ और बाप के सामने गाली देने का दिल करता है, और शराबी जब शराब के नशे में घर आता है तो अपनी बहन और अपनी बेटी के सामने भी गंदी गंदी गालियां देता है। उसको नहीं मालूम वो जिस नशे में है वो किसके सामने गालियां दे रहा है। उस वहां उसकी बीवी भी मौजूद है, उसकी माँ भी मौजूद है, उसकी जवान बेटी भी मौजूद है, लेकिन उधर भी ऐसी गंदी गंदी गालियां उसके मुंह से निकलती है कि जिसको सुनना गवारा नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए कहा शराब को हाथ मत लगाना क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। वो इय्याका बिल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास, हर गुनाह के काम से दूर रहना है मास, इसलिए कि जिस बस्ती में गुनाहों के काम आम हो जाते हैं, जिस बस्ती में जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती में शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर सिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, तो अल्लाह का गजब अल्लाह का अजाब भी उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह किसी वक्त उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर सकता है। सुन लो लॉटरी खेलने वालों, सुन लो आईपीएल का मैच खेलने शर्त लगाने वालों और सट्टेबाजी करने वालों, जुआ खेलने वालों, जिस बस्ती के अंदर जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर बेपर्दगी आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए हलाल है कि उस बस्ती को कभी भी तबाह कर दे, उस बस्ती पर कभी भी अपना अजाब नाजिल कर दे, उस बस्ती को जब चाहे तहो तैक कर दे, पलट दे और मलिया मैट कर दे।
ملیہ میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، اور مزید جو پانچ باتیں ہیں وہ اب اور نہیں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں دس چیزوں میں سے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان پانچ چیزوں کی طرف گئے تو ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور چلا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ جلسہ آپ کا مسجد کی تعمیر و ترقی اور کے لیے ہو رہا ہے۔ ایک وقتیہ مسجد ہے، ایک جامع مسجد ہے، دونوں مسجدوں کی ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سنتے ہی آئیے گا یہاں سے کہ ایک بار مدینے کے اندر جب مسجد نبوی بن کر تیار ہوئی تو اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کر نماز پڑھ سکیں، تو تین مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوتی رہی۔ مسجد نبوی بننے کے بعد فجر کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، مغرب کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، عشاء کی نماز میں اندھیرا رہتا تھا، اس لیے کہ کسی کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے، اتنا تیل نہیں تھا۔ تین چار مہینے کے بعد ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گھسے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کونے میں چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے جگمگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ چراغ کس نے جلایا؟ ایک کونے سے آواز آئی حضرت ایک صحابی کی، حضرت تمیم داری کی، کہ اللہ کے رسول ہم نے جلایا ہے، ہمارے پاس ایکسٹرا کچھ تیل تھا وہ میں لایا اور اس تیل سے چراغ جلایا ہے میں نے۔ اے اللہ کے رسول، آج کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں اس مسجد میں چراغ جلے گا اور تیل کی ذمہ داری میری ہے، وہ تیل میں لا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد تمیم داری نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی غلط تو نہیں کیا میں نے؟ میں نے چراغ جلایا ہے، اس مسجد میں روشنی کر دی ہے، کوئی غلط تو نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری کو اپنے سینے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہا، قد نبرت الاسلام، اے تمیم، تو نے مسجد نہیں چمکائی ہے، تو نے آج پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کے اندر روشنی پیدا کر دی ہے۔ اے تمیم داری، آج تو نے صرف مسجد میں روشنی نہیں پیدا کی ہے بلکہ پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو چمکا دیا ہے۔ جب مسجد میں چراغ جلانے پر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے پورا اسلام چمکا دیا ہے، تو مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا اور مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑھ چڑھ کر اس کارے خیر میں آپ ہاتھ بڑھائیے۔ میں 10 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، اس کرسی پر بیٹھوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، آپ نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو دیا ہے دیا ہے، اس مسجد کے لیے میرے ہاتھ میں آپ کیا دیتے ہیں، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ حضرت تمیم داری والی روایت سننے کے بعد آپ کے دل میں کتنا ایمان پیدا ہوتا ہے اور آپ کتنا اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ آج مجھے دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی محبتوں سے مجھے بلاتے ہو، آج میری بات کتنی رکھتے ہیں آپ اور میری بات کا کتنا سمان دیتے ہیں آپ میری بات کو، یہ بھی آج ہم آپ کو آزمائیں گے اور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مارے الہ اس مسجد کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کو اے اللہ تو اجر عظیم عطا فرما، ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ میرے بھائیوں، پھر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریے اور ان تمام برائیوں کو اپنے معاشرے سے دور کریے۔ ہماری ماں بہنیں پردے کی پابندی کریں، جوا، سٹا، شراب نوشی اور یہ ساری چیزوں سے اپنے سماج کو صاف کریے اور دینی ماحول پیدا کریے۔ اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش فرمائے، اگر ہمارے اندر برائیاں رہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما اور بار الہ ہمیں نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔